Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel. And today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project that is Ball Explosion. So guys, if you are interested and excited to create this project, let's start with this project. So I will show you the overview of the project. So अगर मैं इस पे होवर करता हूँ ये इस बॉल पे तो आप देखना कि कैसा एक्सप्लोजन एनिमेशन दिखेगा. ये देखो आप, ये दिख रहा है. वापस आऊँगा तो ऐसा आ जाएगा. फिर इस पे जाऊँगा तो ये एक्सप्लोजन जैसा हमें एक एनिमेशन दे रहा है ऐसा कुछ. अगर आप ऐसा एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊँगा कि ये वो एनिमेशन कैसे बनाएंगे. So guys, just before starting to create this project, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So guys, यहाँ पर देखो हमारा HTML already created है. मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ. और यहाँ पर अब मैं जाऊँगा कंट्रोल ए और इसको सेव करूँगा. ठीक है, अब सेव करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा एक बॉयलर प्लेट बन गया है. और यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा बॉल एक्सप्लोजन. एंड इसके राइट बॉटम नीचे, जस्ट नीचे इसके मैं एक स्टाइल का लिंक डालूंगा, जो हमारी CSS है उसकी फाइल का लिंक डालूंगा. अब यहाँ पर गाइस देखो, बॉडी के अंदर आपको एक डिव बनानी है. डिव का नाम है डॉट सर्कल के नाम से आपको एक डिव बनानी है. एंड यहाँ पर देखो आप, मेरी CSS भी ऑलरेडी क्रिएटेड, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी CSS ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको CSS नहीं बताऊँगा कैसे करना है, इसी का यूज़ करूँगा, तो आप गलत है. मैं आपको शुरू से जो है CSS लिख के दिखाऊँगा. यहाँ पर मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ. एंड यहाँ से राइट फ्रॉम स्टार्ट हम स्क्रैच जो है, राइट फ्रॉम स्क्रैच हम यहाँ पर अपनी CSS लिखेंगे. तो देखो यहाँ पर अभी हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा, आप दिखा दूँ मैं आपको. रिफ्रेश भी करके देख लिया हमने, यहाँ पर खाली हमारा जो टाइटल का नाम है वो दिख रहा है हमें. तो गाइस ये तो है कि हमारी CSS जो है हमें शुरू से लिखनी है. तो हम स्टार्ट करते हैं CSS लिखना. सो सबसे पहले मैं इसके अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर डालूंगा, जिसके अंदर हम पैडिंग मार्जिन दोनों 0 रखेंगे और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे. इतना करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे बॉडी के अंदर. अब बॉडी का जो टैग है उसके अंदर मैं सबसे पहले मिन हाइट दूंगा. मिन हाइट जो है वो 100 VH होगी, विड्थ जो है 100 VW होगी. फिर उसके बाद BGC जो होगा वो हमारा 000, जो हमारा ब्लैक होता है. हेक्साडेसिमल कलर होता है हमारा 0000, यानी कि वो ब्लैक कलर है. नाउ गाइस यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. और लेट गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी कैसा दिख रहा है. तो मैं दिखाता हूँ आपको, हम साइड बाय साइड देखते जाएंगे इसे, ताकि आपको जो है क्लियर आइडिया रहे कि हम कैसा अभी हमारा प्रोजेक्ट है. अब यहाँ पर हमने एक डिव बनाई थी, आपको याद होगा ये डिव सर्कल के नाम से. अब हम इसे टारगेट करेंगे. तो डॉट सर्कल अब इसकी आप हाइट दे दो. हाइट मान लो मुझे देना है 100 pixels. विड्थ भी दे दो, विड्थ भी 100 pixels, बिकॉज हम इसको एक सर्कल बनाना है. तो हाइट विड्थ दोनों सेम रखो. और बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% कर दो कि आप, तो आपका काम हो जाना है. तो देखो जैसे मैं इसको अभी आपको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर PGC भी डालता हूँ, जिसका नाम है ऑरेंज रेड. ठीक है, ऑरेंज रेड मैंने नाम दे दिया इसका. एंड इसकी मैं ओपेसिटी जो है कुछ ऐसी कर दूंगा, जिससे मुझे RGB कलर्स का मिल जाएगा. ठीक है, एंड गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं इसको वाटर रेडियस को अगर कमेंट आउट करता हूँ, तो देखो हमें मालूम है बेसिक है ये कि हमें यहाँ पर एक स्क्वायर मिलेगा. ठीक है, इसको हमें सर्कल बनाना है, परफेक्ट सर्कल बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे इसे, राउंड शेप में इसको हम बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे. 50% से क्या होगा कि इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हमारा बिल्कुल राउंड शेप में हो जाएगा, जिससे हमारा एक सर्कल हमें डेवलप होके मिल जाना है. ठीक है, अगर आप इसका सर्कल को छोटा करना चाहते हो लाइक 20 pixels, तो वो भी कर सकते हैं हम. 20 pixels लुक फाइन. यप, तो 20 pixels को हम यूज़ कर सकते हैं. एंड आई वॉन्ट इट टू कवर होल ऑफ द स्क्रीन, सो इसलिए मैं छोटा सा लेना चाहता हूँ. फिर उसके बाद हम इस पर होवर करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लें. ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं नीचे एक ट्रांजिशन डालूँगा. ट्रांजिशन
वन सेकेंड, जिसका मतलब है कि जो ट्रांजिशन चले वो वन सेकेंड तक, वन सेकेंड में चले जाए। जिसमें हम और हवर करेंगे तो जो है ट्रांजिशन वन सेकेंड का दिखे, वन सेकेंड का मतलब उसके अंदर ट्रांजिशन आए, ठीक है। और लेट गाइस, यहाँ पर हमने बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो दूंगा जो हमारी होगी 0, 0 एंड 20 पिक्सल्स RGB। देखो मैं RGB ले से RG लिखो, R लिखूँगा, बस R लिखा है मैंने यहाँ पर। और हमारा जो फिजियल स्टूडियो कोड है वो इतना स्मार्ट इनफ है कि वो हमें रिकमेंड कर देता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो RGB के लिए हम यहाँ वाला कलर आ गया, हमें यही चाहिए था, ठीक है। फिर से मैं 0 लिखूँगा, फिर 0 लिखूँगा, फिर यहाँ पर मैं 40 पिक्सल्स लिखूँ एंड यहाँ पर फिर मैं R लिखूँगा। तो देखो यहाँ पर हमें इसने ऑटोमेटिकली हमें बना के दे दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको नीचे लेते हुए जाऊंगा और इसको, ताकि जो हमारा कोड है वो क्लीन रहे। और लेट गाइस, देखो इतना करने के बाद हमारा जो बॉर्डर बॉक्स शेडो जो है वो देखो आप, ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट दिखने लगा है, ठीक है। अब हम सिंपली नीचे जाएंगे और मैं लिखूंगा डॉट सर्कल, और इसके ऊपर गाइस मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हवर। हवर से क्या होगा, जब इस पर आप कर्सर लेके जाओ तो वो क्या कैसे इफ़ेक्ट डाले, देखो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं हवर करूँ, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डालूँगा हवर करने के लिए, मैं क्या करूँगा एक आपको इफ़ेक्ट दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे कि हवर का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पर हाइट जो है इसकी चेंज करना चाहूँ, 100 पिक्सल से पहले 20 पिक्सल थी और 100 पिक्सल है, और यहाँ पर मैं विड्थ भी जो है, यानी कि बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसका सर्कल का साइज़ बढ़ा रहा हूँ WITH। तो पहले 20 पिक्सल से देखो यहाँ पर 20 पिक्सल दिख रही है, जैसे मैं इस पर लेके जाऊँगा तो ये साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये साइज़ बढ़ गया, ठीक है, फिर लेके जाऊँगा ये साइज़ बढ़ गया। तो ये होता है होवर करके, जब उस पर आप कर्सर लेके जाओगे तो क्या होगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट वो लाए, वो होता है होवर का। देखो जो मैं लेके जा रहा हूँ तो ये कैसा चेंज हो रहेगा। तो यही हम इसी का इस्तेमाल करते हुए, इसी का यूज़ करते हुए हम बैकग्राउंड बॉक्स शेडो जो है हम वो देंगे। यहाँ पर मैं इसको बॉक्स शेडो को कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूँगा। एक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड गाइस यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली ओपेसिटी से वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं 0, 0, 0, 30 पिक्सल्स एंड यहाँ पर मैं 0.1 दूंगा एंड यहाँ पर देखो मैं 30, 60, 60 के बाद 120, 120 के बाद 240, 480 और 960 इतने दूंगा। और इसको मैं हटाते हुए कॉमा को और यहाँ पर सेमी कोलन को से ये पूरा कोड जो है वो एंड कर दूंगा। अब यहाँ पर 0.1 था, सॉरी, मुझे 0 के बाद कॉमा लगा के 0.1 लिखना, जिससे वो ओपेसिटी लेगा, ठीक है। मैंने पहले गलती कर दी थी, उसको ही चेंज कर दिया था, बट नेवर माइंड। यहाँ पर 60 आएगा, फिर 60 का 120, 240, 480 और 960, इसको हटा के यहाँ पर सेमी कोलन आएगा, जिससे हमारा कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें पिक्सल्स जो है वो चेंज करना होंगे, सबसे पहले से 30 के बाद 60, 60 के बाद 120, 120 के बाद 240, 240 के बाद 480, 960 एंड गाइस देखो ये जो होगा, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इफ़ेक्ट, इसको मैं सेव करता हुआ चल रहा हूँ और यहाँ देखो अब मैं इस पे लेके जाऊँगा। तो देखो ये हटाया मैंने ये, ठीक है। तो अभी हमने अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट तो कर लिया है, बट मैं आपको एक ट्रांजिशन अगर नहीं लगाते हम वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर रहे आइडिया कि ट्रांजिशन से क्या होता है। देखो अब मैं लेके जाऊँगा तो ये डायरेक्ट हमें बिना ट्रांजिशन के डायरेक्ट हमें ये ओवर दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है। बट अगर मैं ट्रांजिशन दिखाऊँगा तो ये हमें 1 सेकेंड के गैप से जो है ट्रांजिट होके दिखा रहा है, ठीक है। देखो तो गाइस ये हम अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई, आपको प्रोजेक्ट पसंद आया, आपको पसंद आया कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करा, अगर आपको पसंद आया कि प्रोजेक्ट अच्छा लगा आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि आपको प्रोजेक्ट जो है पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो लाइक करना है तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।